पंचायती चुनाव की संपन्न हुई बैठक। खबर आ रही यूपी के बांदा जिले से, जहां कमासिन थाना अंतर्गत भाजपा प्रांतीय संगठन के निर्देशन में पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए रविवार को भाजपा हिंदू वाहिनी की बैठक ब्लॉक परिसर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष रामकेश निषाद ने की। बैठक में पंचायत चुनाव पर गहन मंथन किया गया। क्षेत्र पंचायत कार्यालय परिसर में आयोजित हिंदू युवा वाहिनी के तत्वाधान में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत निर्वाचन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष रामकेश निषाद ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पंचायत चुनाव में जुट जाना चाहिए। पार्टी के हितों को देखते हुए गांवों के चुनाव व केंद्र व प्रदेश सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसी दशा में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को हल्के में नहीं लेना है। अपने संबोधन में कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक के चुनाव सरकार के लिए काफी मायने हैं। पंचायत चुनाव की भूमिका से ही पार्टी की छवि का आंकलन होता है। हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष सीताराम वर्मा ने युवा वाहिनी के सभी युवाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में हमें ज्यादा से ज्यादा जीत हासिल करनी है। पूरे जिला पंचायत अध्यक्ष जगराम सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव से सरकार के कामकाज की समीक्षा होती है। सरकार के अच्छे कार्यों का गांव के चुनाव से मूल्यांकन तय होता है। ब्लॉक परिसर में आयोजित बैठक में प्रमुख रूप से भाजपा जिला महामंत्री विवेकानंद गुप्ता, वरिष्ठ भाजपा नेता स्वय शंकर सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज द्विवेदी, सेक्टर अध्यक्ष भाजपा हिंदू वाहिनी के ब्लॉक अध्यक्ष संतोष त्रिपाठी सहित सैकड़ों पार्टी मौजूद रहे। देखे कमासिन से शत्रुघ्न सिंह की यह रिपोर्ट। अपना लक्ष्य, भविष्य का लक्ष्य बता करके उनसे अपना जो है वोट मांगना हमारा हर समय जो है विकास कार्य को लेकर वोट मांगना हमारा हर समय लक्ष्य रहा है। इसलिए हम लोग जनता तक पहुंचने के लिए ये अपने सारी बैठ के कर रहे हैं। आने वाले समय में हम पंचायत चुनाव के लिए करेंगे और